हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और आसान सा सिंगल कलर का पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए, ये पैटर्न हमारा लेडीज़ स्वेटर, कार्डिगन, लेडीज़ कुर्ती पे बहुत ही सुंदर लगता है। इसके अलावा आप इसे गर्ल्स कुर्ती में भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये पैटर्न हमारा बहुत ही सुंदर है और जिगजैग स्टाइल में है। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने 13 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं। 13 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं। शुरू में तो हम 14 फंदे डालेंगे। जब हमारा ये शुरू से हम जब पैटर्न स्टार्ट करेंगे तो शुरू में हमारे 14 फंदे होने चाहिए। 14 फंदे में से एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा होगा शुरू में, और 13 फंदों पे हमारा ये पैटर्न आएगा, और लास्ट में हमें पैटर्न के 9 फंदे सीधे रखने हैं। जब हम इस पैटर्न पे फंदे एडजस्ट करेंगे तो लास्ट में हमारे 9 फंदे सीधे होने चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे डाल लेंगे और उसके बाद हम कोई सा भी बॉर्डर बना लेंगे। यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा ही बॉर्डर बनाया है सैंपल के लिए। आप अपने हिसाब से बॉर्डर बनाओगे और उसके बाद इस पैटर्न को बनाना स्टार्ट करोगे। यहाँ पे देखिए, मैंने ये पैटर्न 55 फंदों पे बनाया है। ये देखिए, बनके ये बहुत ही सुंदर लगता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। ये मैंने यहाँ पे पहले से ही फंदे डाले हैं और थोड़ा सा बेस देने के लिए बॉर्डर बनाया है। यहाँ पे मैंने ये 33 फंदे बनाए हैं। अब देखिए, अब हम अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। अब बॉर्डर बनाने के बाद फ्रंट साइड से फर्स्ट रो, ये पहला फंदा हमने उतार लेना है सीधा। इसके बाद हमने 7 फंदे सीधे बुनने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 फंदे हमने सीधे बुन दिए। एक फंदा बिना बुने उतारा और 7 फंदे सीधे बुन के उतारे। इसके बाद हम धागा अपनी साइड करेंगे। ये धागा अपनी साइड करा, ये देखिए, जाली बनाने के लिए, और एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड करेंगे, ये दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड करेंगे और ये तीसरा फंदा सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पे हमने देखे 3 फंदों पे जाली निकाली और यहाँ पे जाली के द्वारा हमारे ये 3 फंदे बढ़ गए। फिर देखिए, इसके बाद हमने 7 फंदे डबल रोल करके बुनने। ये देखिए, ये 1, 2, ये 3, 4, ये 5, 6 और 7, ये 7 फंदे हमने डबल रोल करके बुने। अब 7 फंदे डबल रोल करने के बाद हम फिर यहाँ पे देखिए 6 फंदे बुनेंगे और 6 फंदों पे हमने यहाँ पे जाली भी बनानी है। तो देखिए, ये धागा अपनी साइड करेंगे, ये धागा अपनी साइड किया जाली बनाने के लिए, और एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो एक जाली आ गई और एक फंदा सीधा। फिर धागा अपनी साइड और दूसरा फंदा बुनेंगे। फिर देखिए, ये धागा अपनी साइड और तीसरा फंदा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड करेंगे, ये चौथा फंदा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड करेंगे, पांचवा फंदा बुनेंगे। ये फंदे हमें सीधे ही बुनने हैं, फ्रंट साइड से हमारी फर्स्ट रो है। फिर धागा अपनी साइड करेंगे और छठवां फंदा सीधा बुनेंगे। तो 6 फंदे बुने और 6 ही फंदे हमारे ये जाली के द्वारा बढ़ गए। तो ये टोटल हमारे 12 फंदे बीच में हो गए। अब देखिए, फिर हमने यहाँ पे 7 फंदे डबल रोल करके बुनने। ये देखिए, 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 और 7, ये 7 फंदे हमने यहाँ पे डबल रोल करके बुने। फिर धागा अपनी साइड करेंगे
और तीन फंदे बुनेंगे सीधे, और उन तीनों फंदों पे हमने जाली के द्वारा तीन फंदे भी बढ़ाने। तो देखिए धागा अपनी साइड कर दिया और एक फंदा सीधा बुन दिया, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे और तीसरा फंदा सीधा बुनेंगे। तो देखिए ये तीन फंदे जो हमने सीधे बुने, इनके साथ हमने तीन जालियाँ भी बनाई, तो ये तीन से हमारे छः फंदे हो गए। फिर लास्ट के फंदे सीधे बुन लेंगे, इनमें हमें कोई जाली नहीं बनानी, कोई पैटर्न नहीं बनाना, ये सीधे बुन लेने। ये फ्रंट साइड से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से सेकंड रो, ये पहला फंदा ऐसे ही उतार लेंगे बिना बुने। अब देखिए जो फंदे ये उल्टे हैं इनको हमने उल्टे बुनने हैं। ये बैक साइड से हमारी सेकंड रो है, ये जाली वाले फंदे भी हमारे उल्टे आएंगे। ये देखिए जो हमारे ये सिंगल फंदे थे और जो जाली से बढ़े हुए फंदे भी थे इनको हमने उल्टा बुना बैक साइड से सेकंड रो में। अब जो ये फंदे हमारे डबल रोल वाले हैं इनको हम बिना बुने उतारेंगे, लेकिन पहले इनको सिंगल करेंगे। देखिए एक दो तीन चार पाँच, ये छः और ये सात, ये सात फंदे हमने डबल रोल से सिंगल किए और इनको हमने बिना बुने ही राइट नीडल में उतार लेंगे। बिना बुने, बिना बुने ये फंदे उतारे और नेक्स्ट फंदे फिर हम बुन के उतारेंगे जो हमारे जाली से भी बने हैं और जो सिंगल भी हैं। ये देखिए ये बीच में हमारे 12 फंदे उल्टे आएंगे, एक ये दो ये तीन चार पाँच छ सात आठ ये नौ दस ग्यारह और 12। ये 12 फंदे हमारे उल्टे आ गए। ये छः फंदे से जो हमने 12 फंदे बनाए थे ये हमारे बीच में उल्टे आ गए। अब देखिए अब जो डबल वाले फंदे हैं इनको सिंगल करेंगे और ऐसे ही लेफ्ट नीडल में बिना बुने उतार लेंगे। ये हमने डबल से सिंगल कर देने हैं और बिना बुने ही ये देखिए राइट नीडल में उतार लेने हैं। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट फंदे बुन के उतारने हैं। ये बैक साइड से हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई। सेकंड रो में जो फंदे हमारे सिंगल थे और जाली से बने थे उनको हमने उल्टा बुन के उतारा और जो डबल रोल वाले फंदे थे उनको हमने बिना बुने उतार लिया। अब देखिए फ्रंट साइड से थर्ड रो, पहला फंदा उतार लेना है और जो ये हमारे सीधे फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। ये थर्ड रो में हमें कोई जाली नहीं बनानी है। पांच फंदे हो गए, ये छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, ये 13 फंदे हमने सीधे बुने और लास्ट में देखिए ये 14 फंदे, ये 14 फंदे हमारे सीधे आ गए। ये 14 फंदे हमने सीधे बुने। अब इसके बाद जो हमारे ये फंदे बिना बुने उतारे थे इनको हम इस समय बुन के उतारेंगे। अब देखिए एक साथ बुनने हमने ये सात फंदे, ये सात फंदे हमने एक साथ बुन लेने। ये देखिए इस ढंग से डालेंगे यहाँ सलाई, ये ऐसे में, ये देखिए सीधे बुनने ये फंदे और सात फंदे एक साथ बुनेंगे। ये सात का एक कर दिया, ये देखिए ये सात का एक किया। अब देखिए बीच में जो 12 फंदे हमारे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे, 12 फंदे सीधे बुन लेंगे। ये 12 फंदे हमने सीधे बुन ले, 12 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर हम सात फंदे एक साथ बुनेंगे। देखिए सात फंदे हमने एक साथ बुन लेने, सात का एक कर लेना है।
ये देखिए यहाँ से डालनी है सिलाई और सीधे बुनने हैं फंदे। ये देखिए ये पीछे की साइड से डालेंगे सिलाई, पर फंदे सीधे आने चाहिए हमारे। ये 7 का 1 कर दिया, ये 7 का 1 हो गया। और फिर बाकी फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये देखिए 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 और 9, 9 फंदे हमने लास्ट में सीधे बुंदे। ये फ्रंट साइड से हमारी 3rd रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से 4th रो। अब 4th रो को हमने पूरा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। पहला फंदा उतार लिया और देखिए पूरी रो इस तरह से उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। बैक साइड से हमारी ये 4th रो कंप्लीट हो गई। 4th रो को हमने उल्टा बुनते हुए कंप्लीट किया। पूरे पैटर्न में हमने बैक साइड से यही प्रोसेस रिपीट करना है जो हमने 2nd रो में और 4th रो में किया है। पूरे पैटर्न में हमारा यही प्रोसेस रिपीट होगा। अब देखिए फ्रंट साइड से 5th रो। अब ये पहला फंदा उतार लेंगे। अब देखिए ये दूसरा फंदा बुन के उतारा, ये 3, ये 4 5 6 और 7। पहले शुरू में हमने 8 फंदे सीधे बुने थे, जो हमने सीधा उतारा था उसके सहित गिन के हमने 8 फंदे सीधे बुने थे। अब जो फंदा हमने बिना बुना उतारा है उसके सहित हमने अब 7 फंदे सीधे बुंदे। 7 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा अपनी साइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जाली बनाएंगे, एक जाली के लिए धागा अपनी साइड किया, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे और दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे और तीसरा फंदा सीधा बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने 3 फंदों से ये 6 फंदे बना दिए जाली के द्वारा। फिर देखिए अब इसके बाद हम जब 3 फंदों पे हमने यहाँ पे जाली बना दी, इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो फंदा आएगा इसको डबल रोल करके बुनना है। तो यहाँ पे हमने अब 7 फंदे डबल रोल करके बुनने। तो देखिए 1 2 3 4, ये 5 6 और 7, ये 7 फंदे हमने डबल रोल करके बुन दिए। 7 फंदे डबल रोल करके बुने, फिर इसके बाद धागा अपनी साइड करेंगे और देखिए यहाँ पे 6 फंदे बुनेंगे, और 6 फंदे बुनेंगे तो उनके 6 से 12 फंदे बनाएंगे। एक एक फंदे हम जाली से बनाएंगे। तो देखिए ये जाली के लिए ये धागा अपनी साइड किया, एक फंदा बनाया, फिर धागा अपनी साइड किया, ये दूसरा फंदा सीधा बनाया, फिर धागा अपनी साइड किया, तीसरा फंदा सीधा बनाया, फिर धागा अपनी साइड किया, ये चौथा फंदा सीधा बनाया, फिर धागा अपनी साइड किया, ये 5वां फंदा सीधा बनाया, फिर धागा अपनी साइड किया और 6वां फंदा सीधा बनाया। तो देखिए हमने 6 फंदों से यहाँ पे 12 फंदे बना दिए। 12 फंदे बनने के बाद हम फिर यहाँ पे 7 फंदों को डबल रोल करके बुनेंगे। अब देखिए ये पहला फंदा ये ऐसे डबल रोल करके बुना, फिर दूसरा फंदा ऐसे डबल रोल करके बुनेंगे, फिर तीसरा फंदा डबल रोल करके बुना, फिर ये चौथा फंदा डबल रोल करके बुनेंगे, ये 5वां फंदा डबल रोल करके बुना, फिर 6वां फंदा डबल रोल करके, फिर 7वां फंदा डबल रोल करके बुना। फिर हमने ये 7 फंदे डबल रोल करके बुन दिए। फिर इसके बाद धागा अपनी साइड करेंगे और देखिए एक फंदा सीधा बुना, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुना, फिर धागा अपनी साइड करेंगे और तीसरा फंदा सीधा बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 फंदों से हमने 6 फंदे बना दिए। फिर इस 6 फंदे बनने के बाद यहाँ पे लास्ट के 4 फंदे सीधे बुन देंगे। ये देखिए ये फ्रंट साइड से हमारे 5th रो
कंप्लीट हो गई। ये फ्रंट साइड से सेवंथ रो। अब देखिए सेवंथ रो में शुरू के फंदे हम सीधे बुनेंगे, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ये 13 फंदे हमने सीधे बुन दिए। ये 13 फंदे हमारे टोटल सीधे आ गए। 13 फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए जो ये 7 फंदे हमारे हैं इनको हमने एक साथ बुनना है। ये जो हमने डबल से सिंगल किए हैं 7 फंदे इनको एक साथ बुनेंगे। ये 7 का एक कर लेना है। ये 7 का एक किया, ये देखिए ये 7 का एक किया और फिर बीच में जो 12 फंदे हमारे हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे। ये 12 फंदे हमने सीधे बुन लिए। 12 फंदे सीधे बुनने के बाद अब देखिए ये जो डबल से हमने सिंगल किए हैं 7 फंदे इनको एक साथ बुनेंगे। ये देखिए ये 7 फंदे हमने एक साथ बुनने, 7 का एक कर लेना है। ये 7 का एक किया, ये देखिए, और देखिए ये लास्ट में जो फंदे हमारे सीधे हैं इनको सीधे बुन लेंगे। ये लास्ट में हमारे ये 10 फंदे हो गए। ये पहले 9 थे, अब ये फंदे हमारे 10 हो गए। क्योंकि हमारा पैटर्न ये जिगजैग स्टाइल में है तो एक एक स्टेप इधर इधर हमारा पैटर्न आता जाएगा। ये फ्रंट साइड से हमारी 7th रो कंप्लीट हो गई। ये फ्रंट साइड से 9th रो। अब 9th रो में देखिए पहला फंदा हमने सीधे ही उतार लेना है। ये पहला फंदा हम सीधा उतारेंगे और फिर हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 फंदे हमने बुन के उतारे और एक फंदा हमने सीधा बिना बुने उतारा था, तो ये टोटल हमारे राइट नीडल में 6 फंदे हो गए। 6 फंदे होने के बाद हम फिर धागा अपनी साइड करेंगे जाली बनाने के लिए और एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड करेंगे जाली बनाने के लिए और दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड करेंगे जाली बनाने के लिए और तीसरा फंदा सीधा बुनेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे ये 3 से 6 फंदे हो गए। अब तीसरा फंदा सीधे बुनने के बाद अब हमने फिर यहाँ पे 7 फंदे डबल रोल करके बुनने। ये 1, 2, ये 3, 4 और 5, 6 और 7, ये 7 फंदे हमने डबल रोल करके बुन लिए। 7 फंदे डबल रोल करने के बाद फिर हम यहाँ पे 6 फंदों के 12 फंदे बनाएंगे। तो फिर धागा अपनी साइड करेंगे जाली बनाने के लिए और एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड करेंगे जाली बनाने के लिए, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड, तीसरा फंदा सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड करेंगे, चौथा फंदा सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड करेंगे और पांचवा फंदा सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड और छठवां फंदा सीधा बुन लेंगे। तो ये 6 फंदों से हमारे 12 फंदे हो गए। फिर ये 12 फंदे हो गए जब हमारे, तो फिर हम यहाँ पे 7 फंदे डबल रोल करके बुनेंगे। ये 1, 2, ये 3, 4, ये 5, 6 और 7, 7 फंदे हमने डबल रोल करके बुन लेने। फिर धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड, दूसरा फंदा सीधा। फिर धागा अपनी साइड, तीसरा फंदा सीधा। तीसरा फंदा सीधा बुनने के बाद लास्ट के 5 फंदे सीधे बुन लेंगे।
ये फ्रंट साइड से हमारी 9th रो कंप्लीट हो गई, ये फ्रंट साइड से 11th रो। अब 11th रो में देखिए 12 फंदे हम सीधे बुनेंगे, ये 12 फंदे हमने सीधे बुन दिए। 12 फंदे सीधे बुनने के बाद हमने ये देखिए जो डबल से सिंगल किए हैं फंदे, 7 फंदे इनको एक साथ बुनना है, ये 7 फंदे हम एक साथ बुनेंगे, 7 का एक कर लेंगे, ये 7 का एक किया, ये देखिए 7 का एक किया और बीच में जो ये 12 फंदे हमारे इनको सीधा बुन लेंगे। ये 12 फंदे हमने बीच में सीधे बुन दिए। 12 फंदे सीधे बुनने के बाद ये जो डबल से हमने सिंगल कर रखे हैं ये फंदे, 7 फंदे इनको एक साथ बुनेंगे, ये 7 का एक कर लेंगे, 7 का एक किया, ये 7 फंदे हमने एक साथ बुने। 7 फंदे एक साथ बुनने के बाद हमने ये 11 फंदे सीधे बुन लेने हैं। ये 11 फंदे हमने सीधे बुन लिए, फ्रंट साइड से हमारी ये 11th रो कंप्लीट हो गई। ये फ्रंट साइड से 13th रो, 13th रो में हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3 और 4, 4 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे और तीसरा फंदा सीधा बुनेंगे। अब ये तीसरा फंदा सीधा बुनने के बाद हम यहाँ पे देखिए 7 फंदे डबल रोल करके बुनेंगे, ये ऐसे 7 फंदे हमने डबल रोल करके बुनने, एक फंदा हो गया, ये दूसरा फंदा डबल रोल करके बुना, ये तीसरा फंदा, ये चौथे नंबर का फंदा, ये पांचवें नंबर का फंदा और ये छठवें नंबर का और ये सातवें नंबर का फंदा। अब ये 7 फंदे हमने डबल रोल करके बुने, इसके बाद हम 6 फंदों के 12 फंदे बनाएंगे बीच में। तो देखिए ये धागा अपनी साइड किया और यहाँ पे 6 के 12 फंदे बना लेने, ये धागा अपनी साइड, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, दूसरा फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, तीसरा फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, चौथा फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, पांचवा फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, छठवा फंदा सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पे हमने 6 फंदों से 12 फंदे बना दिए। अब देखिए फिर हम नेक्स्ट 7 फंदों को डबल रोल करके बुनेंगे, 1, 2, 3 ये 4, 5, 6 और 7, ये 7 फंदे हमने डबल रोल करके बुने, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, दूसरा फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड करेंगे और तीसरा फंदा सीधा बुनेंगे। तीसरा फंदा सीधे बुनने के बाद लास्ट में हमने देखे यहाँ पे ये 7 फंदे सीधे बुन लेने, ये फ्रंट साइड से हमारी 13th रो कंप्लीट हो गई, ये फ्रंट साइड से 15th रो। अब 15th रो में यहाँ पे हम 10 फंदे सीधे बुन लेंगे, ये 10 फंदे हमने सीधे बुने, 10 फंदे सीधे बुनने के बाद 7 फंदे हम एक साथ बुन लेंगे, 7 का एक कर लेंगे, ये 7 का एक किया और फिर हम ये 12 फंदे सीधे बुन लेंगे, ये 12 फंदे हमने सीधे बुन लिए। 12 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर हम 7 फंदे एक साथ बुनेंगे, 7 का एक कर लेंगे, ये 7 का एक किया और फिर हम लास्ट में ये हमारे में 13 फंदे सीधे बुन लेंगे, ये फ्रंट साइड से हमारी 15th रो कंप्लीट हो गई, ये फ्रंट साइड से 17th रो।
अब 17 रो में देखिए, पहला फंदा सीधा उतार लेना है और धागा अपनी साइड कर लेना है। धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे और तीसरा फंदा सीधा बुन लेंगे। तीसरा फंदा सीधा बुनने के बाद हम यहाँ पे 7 फंदे डबल रोल करके बुनेंगे। ये 7 फंदे हमने डबल रोल करके बुने। अब 7 फंदे डबल रोल करके बुनने के बाद धागा अपनी साइड करेंगे और 6 फंदों से 12 फंदे बना लेंगे। अब देखिए, धागा अपनी साइड किया है और 6 फंदों से हमने 12 फंदे बनाने हैं। एक जाली के द्वारा बनेगा और एक सीधा फंदा बुन लेंगे। ये हमारे यहाँ पे 12 फंदे हो गए। फिर 12 फंदे होने के बाद हम यहाँ पे फिर 7 फंदे डबल रोल करके बुनेंगे। ये 7 फंदे हमने डबल रोल करके बुने, फिर धागा अपनी साइड करेंगे और यहाँ पे 3 फंदों से 6 फंदे बना लेंगे। यहाँ पे ये हमारे 3 फंदों से 6 फंदे हो गए। फिर हम लास्ट में ये 11 फंदे सीधे बुन लेंगे। ये फ्रंट साइड से हमारी 17 रो कंप्लीट हो गई। ये फ्रंट साइड से 19 रो। अब 19 रो में देखिए, 7 फंदे सीधे बुनेंगे। ये 7 फंदे हमने सीधे बुने। अब 7 फंदे सीधे बुनने के बाद ये जो फंदे हमने सिंगल कर रखे हैं डबल से, इनको एक साथ बुनेंगे। ये 7 का 1 कर दिया हमने, 7 फंदे एक साथ बुन लिए। 7 फंदे एक साथ बुनने के बाद बीच में हमारे 12 फंदे सीधे आएंगे। ये 12 फंदे हमने सीधे बुने। 12 फंदे सीधे बुनने के बाद हमने ये 7 फंदे एक साथ बुने, जो हमने डबल से सिंगल किए हैं, इन 7 फंदों को एक साथ बुनेंगे, 7 का 1 कर लेंगे। ये 7 का 1 किया और फिर देखिए, लास्ट में हमारे जितने फंदे हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, ये लास्ट में हमारे ये 16 फंदे हो गए और फ्रंट साइड से हमारी ये 19 रो कंप्लीट हो गई। ये फ्रंट साइड से हमारी 21 रो। अब देखिए, 21 रो में हमारा पैटर्न शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड को। अभी तक ये पैटर्न हमारा राइट साइड को जा रहा था, फिर अब ये पैटर्न हमारा लेफ्ट साइड को जाएगा। देखिए इस टाइप से, यहाँ पे ये पहले देखिए, ये शुरू वाला ये राइट साइड को था, अब फिर हमारा पैटर्न इधर को जाएगा, ये लेफ्ट साइड को। तो देखिए, 21 रो में ये 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। 2 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा अपनी साइड को करेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, तीसरा फंदा सीधा बुन लेंगे। ये तीसरा फंदा सीधा बुनने के बाद हम यहाँ पे 7 फंदे डबल रोल करके बुनेंगे। ये 7 फंदे मैंने यहाँ पे डबल रोल करके बुने। फिर इसके बाद हम यहाँ पे ये 6 फंदे से 12 फंदे बना लेंगे। धागा अपनी साइड करेंगे और जाली के द्वारा हम इनको 6 फंदों को 12 फंदे बना लेंगे। देखिए, ये 6 फंदों से हमने 12 फंदे बना दिए जाली के द्वारा। फिर हम यहाँ पे 7 फंदे डबल रोल करके बुनेंगे। ये 7 फंदे डबल रोल करके बुने, फिर धागा अपनी साइड करेंगे और एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, दूसरा फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, तीसरा फंदा सीधा। तीसरा फंदा सीधे बुनने के बाद लास्ट में हमारे जो 9 फंदे हैं इनको सीधा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। ये फ्रंट साइड से हमारी 21 रो कंप्लीट हो गई। ये फ्रंट साइड से हमारी 23 रो। अब देखिए, 8 फंदे सीधे बुनेंगे।
ये आठ फंदे हमने सीधे बुंदे, आठ फंदे सीधे बुनने के बाद जो फंदे हमने सिंगल कर रखे हैं डबल से, ये सात फंदे इनको एक साथ बुनेंगे। ये सात का एक कर लेंगे, ये सात का एक किया और फिर हम बारह फंदे सीधे बुनेंगे। ये बारह फंदे हमने सीधे बुने, बारह फंदे सीधे बुनने के बाद जो ये फंदे हमने सिंगल कर रखे हैं डबल से, इनको एक साथ बुनेंगे, सात का एक कर लेंगे। सात फंदे हमने एक साथ बुने, सात का एक किया और लास्ट में जो फंदे हमारे सीधे हैं इनको सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये फ्रंट साइड से हमारी 23 रो कंप्लीट हो गई। ये फ्रंट साइड से 25 रो। अब देखिए चार फंदे सीधे बुनेंगे, वे चार फंदे हमने सीधे बुन दिए। चार फंदे सीधे बुनने के बाद धागा अपनी साइड, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, दूसरा फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, तीसरा फंदा सीधा। तो यहाँ पे हमने तीन फंदों से ये छः फंदे बना दिए। अब देखिए फिर हम यहाँ पे सात फंदे डबल रोल करके बुनेंगे। ये सात फंदे हमने डबल रोल करके बुने, सात फंदे डबल रोल करने के बाद फिर हम छः फंदों से बारह फंदे बनाएंगे जाली के द्वारा। यहाँ पे हमने जाली के द्वारा छः फंदों से बारह फंदे बना दिए। अब फिर हम सात फंदे डबल रोल करके बुनेंगे। ये सात फंदे हमने डबल रोल करके बुने, सात फंदे डबल रोल करने के बाद धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, दूसरा फंदा सीधा और फिर धागा अपनी साइड करेंगे और तीसरा फंदा सीधा। ये देखिए अब ये तीसरा फंदा सीधा बुनने के बाद लास्ट में हमारे पास यहाँ पे देखिए सात फंदे हैं, इनको सीधा बुनेंगे। ये फ्रंट साइड से हमारी 25 रो कंप्लीट हो गई। ये फ्रंट साइड से 27 रो। अब देखिए शुरू में हमने 10 फंदे सीधे बुन लेने हैं। ये 10 फंदे हमने सीधे बुन लिए। 10 फंदे सीधे बुनने के बाद सात फंदे एक साथ बुनेंगे जो हमने डबल से सिंगल किए हैं। ये सात का एक कर लेंगे, ये सात का एक किया, फिर इसके बाद हमने 12 फंदे सीधे बुन लेने हैं। ये 12 फंदे हमने सीधे बुन लिए। 12 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर हम ये सात फंदे एक साथ बुनेंगे जो हमने डबल से सिंगल किए। ये सात का एक कर लेना है, सात का एक करेंगे और लास्ट में जो फंदे हमारे सीधे हैं इनको बुनते हुए हम अपनी 27 रो कंप्लीट कर लेंगे। ये फ्रंट साइड से 29 रो। अब देखिए हम छः फंदे सीधे बुनेंगे। छः फंदे सीधे बुनने के बाद धागा अपनी साइड, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, दूसरा फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, तीसरा फंदा सीधा। अब तीसरा फंदा सीधे बुनने के बाद हमने सात फंदे डबल रोल करके बुनने। ये सात फंदे हमने डबल रोल करके बुने। अब फिर हम यहाँ पे बीच में देखिए छः फंदों से बारह फंदे बनाएंगे, धागा अपनी साइड, ये देखिए हमने यहाँ पे जाली के द्वारा छः फंदों से बारह फंदे बना दिए। बारह फंदे बनाने के बाद अब हम फिर सात फंदे डबल रोल करके बनाएंगे। ये सात फंदे हमने डबल रोल करके बुने। सात फंदे डबल रोल करने के बाद धागा अपनी साइड, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, दूसरा फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, तीसरा फंदा सीधा। ये तीसरा फंदा सीधे बुनने के बाद लास्ट में हमारे पांच फंदे जो सीधे हैं इनको सीधा बुनते हुए हम अपनी 29 रो कंप्लीट कर लेंगे।
ये फ्रंट साइड से हमारी 31 रो। अब देखिए 12 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। ये 12 फंदे हमने सीधे बुन दिए। 12 फंदे सीधे बुनने के बाद जो हमने ये फंदे डबल से सिंगल किए थे इनको एक साथ बुनेंगे, 7 का 1 कर देंगे। 7 फंदे हमारे ये 7 का 1 कर दिया, 7 का 1 किया। अब देखिए बीच में हमारे ये 12 फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। ये 12 फंदे हमने सीधे बुन दिए। 12 फंदे सीधे बुनने के बाद जो फंदे हमने डबल से सिंगल किए हैं इन 7 फंदों को एक साथ बुनेंगे, 7 का 1 कर लेंगे। ये 7 का 1 किया। और फिर लास्ट में हमारे जितने फंदे हैं इनको बुनते हुए हम अपनी 31 रो कंप्लीट कर लेंगे। ये फ्रंट साइड से हमारी 33 रो। अब 9 फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये 9 फंदे हमने सीधे बुने। 9 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा अपनी साइड करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड करेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड करेंगे, तीसरा फंदा सीधा बुनेंगे। तीसरा फंदा सीधे बुनने के बाद हमने 7 फंदे डबल रोल करके बुनने। ये 7 फंदे हमने डबल रोल करके बुने। 7 फंदे डबल रोल करने के बाद हमने अब 6 फंदों से 12 फंदे बनाने हैं जाली के द्वारा। अब धागा अपनी साइड करेंगे, जाली बनाएंगे। यहाँ पे हमने जाली से 6 फंदों से 12 फंदे बना दिए। अब ये 12 फंदे बन गए हमारे 6 फंदों से। अब इसके बाद हमने 7 फंदों को डबल रोल करके बुनना है। ये 7 फंदे हमने डबल रोल करके बुने। फिर धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा सीधा। फिर धागा अपनी साइड करेंगे, दूसरा फंदा सीधा। फिर धागा अपनी साइड करेंगे और तीसरा फंदा सीधा। और लास्ट में 2 फंदे सीधे बुनते हुए अपनी 33 रो कंप्लीट कर लेंगे। ये फ्रंट साइड से हमारी 35 रो। अब देखिए यहाँ पे हमने 15 फंदे सीधे बुन लेने हैं। ये 15 फंदे हमने सीधे बुनने के बाद जो हमने ये फंदे सिंगल कर रखे हैं डबल से इनको एक साथ बुनेंगे, 7 का 1 कर लेंगे। 7 का 1 कर लेना है और इसके बाद 12 फंदे सीधे बुनने हैं। ये 12 फंदे हमने बीच में सीधे बुने। 12 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर ये 7 फंदे एक साथ बुनेंगे जो डबल से सिंगल कर रखे हैं, 7 का 1 कर लेंगे। 7 का 1 कर लेंगे और इसके बाद जो हमारे लास्ट में 8 फंदे हैं इनको बुनते हुए अपनी 35 रो कंप्लीट कर लेंगे। ये फ्रंट साइड से हमारी 37 रो। अब 37 रो में हमारा पैटर्न रिपीट होगा। अब हमारा पैटर्न लेफ्ट से राइट के लिए टर्न होगा। और देखिए बन के ऐसा दिखता है हमारा पैटर्न, ये बहुत ही सुंदर लगता है बन के। ये देखिए यहाँ पे भी बना रखा है मैंने ये इस टाइप से। यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट से राइट के लिए हमारा पैटर्न टर्न हो रहा है। और ये देखिए ये बन के बहुत ही सुंदर लगता है। अब हमने इस पैटर्न को ऐसे ही रिपीट करते जाना है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।